अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल, तांजी सोफिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज हमेशा अगर खड़ी इंदा आहियूं, तांजी फरमाइशूं भी पूरी कंदा आहियूं। सीज़न के हिसाब से भी काफ़ी सारा खाधा तांखे ठाहिण सेखारिया। हाणे गर्मी की तरफ वञूं पिया, हुन हिसाब से भी फरमाइशूं अचनि पियूं। कढ़ी तव्हांखे ठाहिण सेखारी आहे बेसण जी, लेकिन मुंहिंजी वापसि फरमाइश आई आहे त मौसम भी आहे, पकौड़नि वारी कढ़ी बि ठाहियूं था ऐं गोश्त वारी कढ़ी बि ठाहियूं पिया। ॿ बेसण वारी कढ़ियूं ठहंदियूं, हिकु पकौड़नि सां गॾु, हिकु चिकन या बीफ सां गॾु तव्हां ठाही सघो था। ॿई रेसिपी सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो सुबुह जो। स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का भी फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, पुछी सघो था। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, सीज़न के हिसाब से जो आप लोगों की फरमाइशें वो पूरी करते आ रहे हैं, तो आज भी मैं फरमाइश ही पूरी कर रहा हूँ। कढ़ी, पकौड़ा कढ़ी जो बेसन की होती है वो बना रहे हैं पकौड़ों वाली, और साथ ही फरमाइश आई थी कि गोश्त वाली कढ़ी भी बनाना सिखाएँ बेसन की। तो दोनों रेसिपीज़ बना रहा हूँ एक ही साथ, पकौड़े वाली कढ़ी और चिकन के साथ हम बना रहे हैं। आप बीफ के साथ भी बना सकती हैं। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, पूछ सकते हैं। किचन में चलते हैं और रेसिपी करते हैं स्टार्ट, क्योंकि रेसिपी हमारी लेंथी है। कोशिश करूँगा बिल्कुल कंप्लीट करके आपको दिखाऊँ, और क्वांटिटी लिखते जाइएगा, मैं रिपीट भी कराता जाऊँगा, ठीक है। क्वांटिटी पकौड़न वारी कढ़ी जी भी ऐं चिकन वारी कढ़ी जेको असां ठाहियूं पिया, यानी उहो बि बेसण ऐं गोश्त जी कढ़ी ठहंदी। ॿई रेसिपीज़ क्वांटिटी अलॻि अलॻि ॿिन्हिनि जी आहे, नोट कंदा वञो ऐं लिखंदा वञो, पेन ऐं पनो पाण सां गॾु रखिजो। सभिनीनि खां पहिरीं असां कढ़ी स्टार्ट कयूं था। सबसे पहले बेसन वाली कढ़ी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक पतीला, ठीक है, बेसन वाली कढ़ी के लिए लेंगे एक पतीला जिसमें हमने बनानी है कढ़ी। और इसमें हमने क्या करना है, कुकिंग ऑयल डालना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल हम कितना डालेंगे, पहले इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं, क्योंकि पानी होता है, वॉश हुए होते हैं, तो ऑयल डालने से पहले हमेशा खुश्क कर दिया करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस पतीले में आपने कढ़ी बनानी है, ऑयल हल्का सा हाथ पे लगाया और इसके किनारे जो होते हैं ये ग्रीस कर दिया करें। इससे क्या होता है, कढ़ी जितनी भी देर उबलती रहेगी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। हल्का सा हाथ से आपने किनारों पर ऑयल लगा देना है, कोई भी कढ़ी बना रहे हो आप इस तरह किया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, बेसन वाली कढ़ी कभी भी गिर के बाहर नहीं आएगी। हाँ, मैं इनके किनारन ते हणी छो ऑयल, बेसन वाली कढ़ी ठाँ पाया। इनका जैसे कढ़ी बॉयल थी रही, तुम कम भी कंदा रहो, तो खतरो न हों कि कढ़ी बाहर अची वे बॉयल थी। हाँ, इनमें विझासी अस कुकिंग ऑयल 6 खाण जहा चमचा, हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया, ठीक है। 6 to 8 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल डालेंगे, हाफ कप बन गया। ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करके हम यहाँ पे क्या डालेंगे, प्याज का पेस्ट, ठीक है। ये मैं भगार के साथ बना रहा हूँ, एक होता है हम बेसन में मिला के कढ़ी को पका रहे होते हैं, ये इजी वे में बना रहा हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान कढ़ी है, ठीक है, बेसन वाली पकौड़ों की कढ़ी बिल्कुल आसान है। इनमें असा अध कप कुकिंग ऑयल गरम कयो, इनमें असा विझंदासी एक गंड नंडी बसर जी, कुटंदासी चंगी तरह कुटे बसर के विझंदासी। एक छोटा मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको आप कूट लें अच्छी तरह, दरदरा सा हो जाए कूट जाएगा, या फिर ग्राइंड कर लें, चॉपर में चला दें, ब्लेंडर में चला दें, इस तरह जैसे भी आपको करना हो। प्याज डाल दिया, ठीक है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, प्याज डाल के आपने ब्राउन नहीं करना है, बसर के गाढ़ो न करो, हल्को गुलाबी कंदासी, प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया, ठीक है, इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का छोटा प्याज। कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहाँ से बात, सलाम। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। आवाज अच्छे पई मुंजी? हाँ जी जी, अच्छे थी। थोड़ा जोर से गलाए जो, हिते जी वॉल्यूम बतायो। हाँ हाँ, अच्छे थी आवाज तावन जो। जी जी, कुछ चैन चाहिए दो। तांजी ये कंट्रोल रूम में गलाई वेटो, मुके तांजी आवाज समझ न पई। नाइम डीसी वट जो छापे चैन। ओके जी, बसर असा इते पेस्ट विदो या कुट्टे विजंदो, बसर के हल्को गुलाबी कंदा सी, प्याज हल्का सा गुलाबी होने लगेगा। इसमें मैं डाल दूंगा कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ते मिल जाते हैं हर जगह, 10 से 12 आदत कड़ी पत्ते डाल दिए, 10 खां 12 आदत कड़ी पत्ता विझी छड़िया, ठीक है। कड़ी पत्ता विझण खां पोइ इनमें विझंदासीं अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाइण जा चमचा, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता 10 से 12 आदत, ठीक है। हाफ कप कुकिंग ऑयल, 6 to 8 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको कूट लें बिल्कुल दरदरा सा, या सिलबट्टे पे पीस लें, वो डाला, फिर हल्की सी खुशबू आने लगी, फिर हमने इसमें डाल दी कड़ी पत्ते 10 से 12 आदत, कड़ी पत्ता हर जगह मिल जाता है लेके रख लें। कड़ी पत्ता डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भूना,
प्याज को लाल नहीं होने देना है। अब हम इसमें मसाले क्या डालेंगे, यहाँ पे मेरे पास है मेथी दाना, ठीक है, आधा चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ भर के एक खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक यहाँ पे भर के डालेंगे एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर मैं इसमें डालूंगा एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, ठीक है, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, कुटा हुआ धनिया, साबित धनिया कुटा हुआ एक खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च भर के एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, हल्दी एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय जो चम्मचो, साबित धाना गोल वारा कुटन दो एक खाण जो चम्मचो या चाय जो चम्मचा भरे कुटे वट जो, ठीक है, पाउडर का थोड़ा मोटो हो जाए उनका, वो पीठल गाढ़ा मिर्च लूण हाइट एक एक चाय जो चम्मचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चम्मचो, मेथी दाना हुरबे जा बीज अध चाय जो चम्मचो, साबित धाना कुटियल एक खाण जो चम्मचो, लूण पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च आई हाइट एक एक चाय जो चम्मचो, ये डाल देंगे पाँच छः चीज़ें इसके अंदर और इसको भूनेंगे मसाले को हल्की आंच पे, ठीक है, हल्की आंच पे इसको भूनेंगे, मसाले का कलर अच्छा सा आने लगेगा। ज़ीरा मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है, भगार सा बन गया। अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया, अब हम क्या करेंगे, एक प्याला लेंगे और इसमें डालेंगे दही एक पाव, कम क्वांटिटी में बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, एक पाव दही डाल दी, दही डाल के आपने दही को बीट करना है, फेंटना है, दही के चंगी तरह फेंटे वट जो, दही में धानों ख़त्म थी बने, ठीक है, दही में दाना ख़त्म हो जाए। अच्छा, नमक मैं इसमें बाद में भी बढ़ाऊँगा, अभी मैंने एक चाय का चम्मच नमक डाला है। दही को आपने फेंट लिया अच्छी तरह, अब हम इसमें डालेंगे बेसन, कितना, एक कप बेसन को आपने भून लेना है, ठीक है, बेसन को भून लेना है, तो यहाँ पे मैंने एक कप बेसन है, इसको तवे के ऊपर भुना हुआ है, कच्चा नहीं है, आपने हल्का सा भून लेना है, बेसन का कलर चेंज ना हो, बेसन खणन दो और इनके भुने वठन दो, ठीक है, बेसन के भुने वटो तए के मथा सेके वटो ताकि जो कच्चोपन ख़त्म थी वे, एक कप बेसन है, एक पा दही है, हाँ इनमें विझंदी पानी थोड़ो थोड़ो करे, ठीक है, चंगी तरह इनके फेटे वटो, अच्छी तरह आपने फेंट लेना है ताकि बेसन में गुठली ना हो और दही में गुठली ना हो, पेस्ट बन जाए। कॉल वाटू था, अस्सलाम वालेकुम, ये पेपर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, कह रहे हैं कितना गलायो प्या, क्रांति से बात कर रही हूं, कैसी हैं आप, ठीक हैं, इतने सिस्टम सही ना है इनके, पेरी सेट के मुख्य आवाज़ नहीं दिया, इतने डबल अच्छी थी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह एक कप पानी डाल के ये गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया, ठीक है, एक कप बेसन, एक पाव दही, पहले उसको फेंट लिया, उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला, एक कप अभी तक पानी डाला और पानी डालूँगा इसमें, ठीक है, अभी यहाँ पर एक कप पानी और डाल रहा हूँ, ये हो गया दो कप पानी, पानी दें मुझे फुल भर के दें, ये हो गए दो कप पानी, ठीक है, अच्छी तरह आपने फेंट लेना है, चंगी तरह फेटे वठन दो, आई हाँ जो दाग ठाया हुआ है भगार जो बना है इसमें हमने डाल देना है ये सारा बेसन, ठीक है, जो दही के साथ हमने मिक्स किया था, अब इसको करेंगे मिक्स हल्की आंच पे, मसाला जलना नहीं चाहिए, ठीक है, मसालों सड़े ना, ब कप अना तीन पानी इनमें वह हुआ, बाकी पानी मैं इनमें ऐड किया पे, ठीक है, दो कप पानी गया है, बाकी पानी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, अभी इसी प्याले में अगेन पानी डालेंगे, एक कप, दो कप, तीन कप और ये चार कप, चार कप पानी, यानी दो कप पानी हमने पहले बेसन के साथ दही के साथ बीट कर लिया था, अब चार कप पानी मैंने इसमें और ऐड कर लिया, काफ़ी है छः कप पानी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं बना रहा हूँ, कम बना रहे हैं, और साइडों में हमने ऑयल ग्रीस कर दिया था, ये आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, हाँ इनके हिते शिफ्ट क्यों था, इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं और ये कड़ी हमारी पकती रहेगी 30 मिनट तक हल्की आंच पे, 30 मिनट तक हल्की आंच पे कड़ी पकती रहेगी, ठीक है, 30 मिनट तक कड़ी पचंदी रहेंगी, ये पकौड़े वाली कड़ी है, अभी बेसन की कड़ी की तैयारी करेंगे, इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है, अब इसको पकने दें, बॉयल आने दें, हल्की आंच पे पकती रहेगी 30 मिनट तक, ये बॉल हटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे, बेसन वाली कड़ी के पकोड़े हम बाद में बनाएंगे,
ठीक है, तब तक हम बनाते हैं चिकन का बैटर। चिकन हमने लेनी है, कहाँ गई चिकन, ये रही, यहाँ पे हमारे पास है चिकन। आधा किलो चिकन है नॉर्मल कटिंग की हुई, अधु किलो मुर्गी है नॉर्मल कटिंग थी, इनमें पानी आया था, पानी कटी छंदासी वॉश थी हुआ है, पानी अच्छी तो नहीं, ठीक है, छाणी में भी छजो, पानी निकाल दीजिएगा और छन्नी में डाल दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को करेंगे मैरिनेट। ठीक है, चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने क्या क्या डालना है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1/1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और उसके साथ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, धाना पीठल 1 चाय जो चमचो, कारा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, धाना 1 चाय जो चमचो, लूण और कारा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, गाढ़ा मिर्च और हेड 1 चाय जो चमचो। और कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से सिटी से बात कर रही हैं? कराची से जी। कुछ कहना चाहेंगी? मैंने फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया आपके प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करनी, कुछ पूछना आपने? नहीं, आपका फरमाइश पूरी कर देते हैं। चलें ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच दही डाल दी, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 खाने का चम्मच, चिकन थी 1/2 किलो, इसमें पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च 1/1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच डाल दिया, ठीक है, और काली मिर्च भी डाल दीजिएगा 1/2 चाय का चम्मच। ये अच्छी तरह आपने मैरिनेट कर देना, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और दही हमने डाल दी है इसमें 3 खाने के चम्मच। हाँ वरी बुधाएं पे हिते चिकन आए 1/2 किलो, इनमें विजंदासी अदरक तुम जो पेस्ट 1 खाने जो चमचो, दही 3 खाने जो चमचा, पीठल गाढ़ा मिर्च हेड आई कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/1 चाय जो चमचो, पीठल धाणा 1 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचो विझी छो, कारे मिर्चन जो पाउडर भी विझी छो 1/2 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो। चंगी तरह मैरिनेट कर दो चिकन के। चिकन को अच्छा सा मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है, 1/2 घंटा 20 मिनट छोड़ देना चिकन को, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो यहाँ पर हम लेंगे फ्राइंग पैन और चिकन को करेंगे फ्राई। ठीक है, इनमें खंडासी कुकिंग ऑयल 1/2 कप, 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया, ऑयल जैसे गरम होगा तो जितनी मैरिनेटेड चिकन है ये सारी आपने ऑयल में डाल देनी है और इसको करना है फ्राई, ठीक है। लेकिन 1/2 घंटा रखने के बाद सारी मैरिनेटेड चिकन हमने डाल दी इसमें ऑयल में और इसको करेंगे फ्राई, ठीक है, इसको करेंगे फ्राई और उस दौरान मैं इसको कवर भी करूँगा ताकि ये अच्छी सी पक जाए चिकन हमारे, इसके अंदर टेंडर हो जाए, ठीक है। कवर चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसको कवर करेंगे इस तरह 5 मिनट एक तरफ से 5 मिनट दूसरी तरफ से, अच्छी तरह इसको पकाएंगे ताकि चिकन आपकी टेंडर हो जाए। उस दौरान हम क्या करेंगे, जब तक हमारी चिकन पक रही है इसके लिए भी कढ़ी जो हमने बनानी है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो जो कढ़ी बन रही है वो अलग कढ़ी है, ये नहीं समझिएगा कि मैं चिकन वाली कढ़ी के लिए वो कढ़ी बना रहा हूँ, ठीक है, वो कढ़ी हमारी अलग है। और इनके चमचो हलाइंदा रहे जो मथे ना आईंदी पचंदी रहेंदी 30 मिनटन दें, ठीक है, 30 मिनट तक ये पकती रहेगी। और मैंने कम क्वांटिटी में बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है कढ़ी, आप अगर बढ़ाना चाहें तो फिर आपने दही भी बढ़ानी है, नमक भी बढ़ाना है। अच्छा, इसमें नमक हमने और डालना है, 1 चाय का चम्मच नमक पहले डाला था, 1 चाय का चम्मच और डालेंगे क्योंकि कढ़ी में नमक 2 चाय के चम्मच होगा तो जाके इसका लेवल बैलेंस होगा, ठीक है। अभी गाढ़ी होना शुरू होगी हल्की आँच पर, इसको पकाते हुए इसको अब मैं कवर कर दूंगा। हाँ मैं इनके कवर के अंदर 5-10 मिनट जो उनका आपको वापस बस इतना कवर कर रहे बॉयल का जो ताकि कड़ी ताजी मत्थे भी नाचें गिरे भी ना। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है इसमें हमारे ऑयल में और उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस मसाले में चिकन आपने यहाँ पे देखें ये प्याले में मसाला बच गया, ठीक है, इन प्याले में मसालों बची हुई है, इनमें ऐसा विजंदासी दही, इसमें हम डाल देंगे 1 कप दही। ये दूसरी कढ़ी बन रही है चिकन वाली, ठीक है, इसकी चिकन मैरिनेट करके मैंने निकाल दी थी, अब यहाँ पे मैंने डाल दी है दही, वो फेंटने वाला देते मुझे, दही डाली और दही को हम करेंगे बीट, अच्छी तरह दही को हम बीट करेंगे, ठीक है। जब तक मैं दही को बीट कर रहा हूँ चिकन हमारी फ्राई हो रही है, वहाँ पे कढ़ी हमारी तैयार हो रही है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक ते बनूँ बाकी ब्रेक का पहुँची जो मसालों तक बताएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते उनका पहिरीं तरीक़ो चिकन जी कढ़ी ठहंदी हुन लाइ असां जेका चिकन मैरिनेट कई हुई हुनखे मां कटी थो वठां। ठीक है, चिकन की जो कढ़ी बनेगी, एक तो हमारी बनेगी पकौड़े वाली कढ़ी, ये बनेगी चिकन कढ़ी, इसका अलग मेथड है। ठीक है, ये देखिए चिकन फ्राई हो गई। ब्रेक के दौरान मैंने क्या किया था, इसको पलट भी दिया था। ये चिकन हमारी ओके तैयार, इसको हम निकाल देंगे प्लेट में सारे पीसेस को, क्योंकि ये अभी मज़ीद पकेगी कढ़ी में। तो इसको मसालों के साथ आपने मैरिनेट कर दिया था और हाफ कप कुकिंग ऑयल लेके उसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। अब ये जो मसाले वाला ऑयल है जिससे चिकन निकल रही है, यही ऑयल हम कढ़ी में इस्तेमाल करेंगे। हे जेको मसाले वारो ऑयल आहे ना, इहो ई असां कढ़ी में इस्तेमालु कंदासीं। छा के चिकन कढ़ी आहे त ही डिफरेंट आहे, हिनजी फरमाइश बि हुई। जिनकी फरमाइश थी तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, गोश्त वाली कढ़ी ये मैं बना रहा हूँ। अब इस ऑयल को हम बाद में यूज़ करेंगे, यहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो मसाला जिसमें चिकन मैरिनेट की थी उसका मसाला थोड़ा बच गया था, उसी में मैंने डाल दिया यहाँ पे बेसन और सॉरी दही एक कप। ठीक है, एक कप दही डाल के मैंने इसको बीट कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगा बेसन, एक कप बेसन जाएगा, एक कप दही और एक कप बेसन डाल दिया। एक कप दही और एक कप बेसन को आपने अच्छी तरह बीट करना है। ठीक है, और मसाला अभी इसके अंदर जाएगा, वो तो जस्ट हमारा जो मिक्सअप में मसाला बचा था मैरिनेशन वाला, वो भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, उसको आपने वॉश नहीं करना, गायब नहीं करना है। ठीक है, जेको मसालो मुर्गी सा गड इनमें लगायो हो, मुर्गी असा फ्राई करी छी, बाकी जेको मसालो प्लेट में बची वो हो उन्हीं में तां दही विझंदो। एक पार दही, एक कप दही फेटे वरती, हुन सा गड एक कप बेसन भी विझी छड़ियो। ठीक है, मैंने इसमें एक कप बेसन डाल दिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मसाले हमने डाले थे वो चिकन में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या मसाले डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, नोट करते जाएं। पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच से थोड़ी कम, आधा चाय का चम्मच कर लें। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, ठीक है, और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। ये सारे मसाले हमने डाले और इसको कर दिया मिक्स। पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चम्मचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चम्मचो, उन सा गड इनमें विधो लूण अध चाय जो चम्मचो। ठीक है, आई हाइड अध चाय जो चम्मचो, इनके चंगी तरह मिक्स करना सी। अब इसमें भी हम पानी डालेंगे। ठीक है, इसमें हम कितना पानी डालेंगे, इसमें हम डालेंगे दो कप पानी। अभी एक पहले एक कप डालेंगे, अच्छा सा पेस्ट बन जाए, फिर दूसरा कप पानी डालेंगे। और जो चिकन फ्राई की हुई ये किस तरह इसमें जाएगी, पूरा मेथड आपने गौर से देखना है। इसको अच्छी तरह बस एक कप पानी के साथ आपने इसको घोल देना है। अब एक पतीला लेंगे, क्योंकि मैंने फ्राइंग पैन में किया था, आपने एक साफ़ पतीला लेना है, या पतीले में चिकन फ्राई भी कर सकते हैं, उसमें से चिकन निकाल दें। ये चंगी तरह पेस्ट करिए छोड़ो, बहुत इजी है, बस समझते जाएं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पतीला लेंगे जिसमें हमने चिकन वाली कढ़ी बनानी है। इसमें हमने ये जितना भी मसाले के साथ ऑयल है ना, ये सारा इसमें उतार दें पतीले में। ये सारा मसाला आपने उतार दिया इस तरह करके, जितना मसाला चिकन का आ गया था पतीले फ्राई करने में सारा उतार दिया। ठीक है, ये जेको मसालो मां हो सजो इनके अंदर लाई छो, ऑयल सूदो, वही ऑयल यूज़ कंदा सी, एक्स्ट्रा ऑयल ना विझंदा सी, जेको अध कप विझी जारे छो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हो, कहां से बात कर रहे हैं? हम से बात कर रहे हैं। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी? हमें नान तवे पे बनाना सिखा दूं? जी ठीक है, नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। अच्छा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे ऑयल वही है हाफ कप जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी, चिकन निकाल दी, फिर जो मसाला लगा हुआ था ऑयल के अंदर वो सारा इसमें साथ ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बेसन में पानी एक कप मिलाया था ये सारा इस ऑयल में हम डाल देंगे। हाँ, जेको बेसन में पानी मिलायो हो ना एक कप, हे सजो पतलो करे इनके अंदर विझंदासीं। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया बेसन और इसको हमने घुमाते हुए अच्छी तरह मिक्स करना है। मसाले के साथ बेसन बड़ा ज़बरदस्त ये बनेगी बेसन वाली कढ़ी। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, मिक्स करके इसको थोड़ा पकाएंगे, थोड़ा गाढ़ा होगा बेसन। ठीक है, ऑयल में पकेगा बेसन, थोड़ा गाढ़ा होगा, हल्का हल्का विस्क करते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं इसमें साबित लाल मिर्च भी डाल दूंगा, 6 से 8 अदद लौंगी मिर्च, 6 8 अदद विझी छड़े हैं। ठीक है,
और इसको आपने घुमाते रहना है। अदरक लहसुन का पेस्ट में इसमें डालना होगा तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं क्योंकि चिकन में हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया हुआ है। इसमें अब गाढ़ापन आना, रबड़ की तरह होता जा रहा है, पकता जा रहा है, रबड़ की तरह होता जा रहा है। चंगी तरह बेसन के पचाईंदा रहो, बेसन पानी जगह छड़े पियो, ही रबड़ वांगर थिंदो होने पे ही दिखार जो। ठीक है, ये चेक करें, इस तरह बेसन पक रहा है। बेसन को पकाते हुए 5 मिनट हो जाएं, कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। जी कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है, करिए ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर मोहम्मद आशिक कर रहा हूँ, पंजाब से, जिला अरफाना से। जी कुछ कहना चाहेंगे? जी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर मैंने ये पूछना था कि एक हमारे यहाँ कढ़ी पकौड़ा बनता है, ये पंजाब में हमें कढ़ी पकौड़ा होता है, कढ़ी पकौड़ा है कि जी कढ़ी पकौड़ा होता है, एक कढ़ी है एक कढ़ी है। एक मैं कढ़ी पकौड़ा भी बना रहा हूँ, उसके पकौड़े अभी बनेंगे, मैं आपने शायद देखा नहीं शुरू से। जी आप देखें टीवी की तरफ जाएं, मैं अभी रिपीट कराऊंगा, कढ़ी उसकी तैयार हो रही है, पकौड़े इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। ये मैं चिकन वाली कढ़ी बना रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, ये देखें इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए, इन तरीके से आप बेसन के पचाइणों में हिसफा ऑयल अलग थी, ठीक है? ये ऑयल आप देखेंगे बिल्कुल सेपरेट हो गया है। पूरी रेसिपी रिपीट कराऊंगा, फिर आप नोट करते जाइएगा, इस तरह बिल्कुल बेसन सेपरेट हो गया। ये बेसन को आपने इतना भूना कि बेसन का कच्चापन हमने ख़त्म कर दिया। ये क्विक रेसिपी है, बेसन और गोश्त की कढ़ी बनती है ये। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए, बेसन बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब जो चिकन था मैं फ्राई किया हुआ, सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? जो मुर्गी हुई फ्राई थे ही सजी इनके अंदर भी छड़ी, चिकन फ्राई किया हुआ इसके अंदर डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, मिक्स करके चूल्हा हल्का करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम पानी। अच्छा, पानी में उसी प्याले में डाल के डालूंगा जिसमें हमने बेसन बनाया था, ठीक है? ये मैंने 3 कप पानी ले लिया, ये पूरा मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर दिया। 3 कप पानी ये सब जो मिक्स करें इनके अंदर ऐड के, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह, जो बेसन का गुठली सी ना बने, बेसन अच्छा सा इसके अंदर हल हो जाए। फिर इसको कवर करके 15 मिनट हमने दम पे पकाना है। बेसन और चिकन की कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केरे की तंग लायो पिया? अच्छा सर, कौन से ने आया जी? कुछ चैन चाहिए होती? ये दा कुछ चाहिए, कस कोला चैन से खा रहे हो? चाशे से खा रहे हो? कस बोला रसगुल्ला मां नथो ठाई सका, छाकण तो रसगुल्लन जी रेसिपी काफ़ी लेंथी आए, वो 1.5 कलाक में ठही थी। मुझे प्रोग्राम जो टाइमिंग होंगी है 45 मिनट, ठीक है? अच्छा, ओके जी, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे हमने बेसन को देखे, मैंने मिक्स करता रहूँगा, पानी हमने डाल दिया इसमें 3 कप, ठीक है? बस ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरह। बेसन में पानी भी दो, चिकन भी दी पेरी, चिकन भी जी इनके मिक्स करो अच्छी तरह। आपने मिक्स किया, अब बिल्कुल इसमें दाना ख़त्म हो गया, ये देखें टेक्सचर इसका कितना ज़बरदस्त हो गया, ठीक है? अब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है? ये देखें, थोड़ा इसमें 1/2 कप पानी और डालूंगा, मुझे नीड हो रही है 1/2 कप पानी की, तो तकरीबन 3.5 से 4 कप पानी चला गया, ठीक है? 1/2 कप पानी और डालेंगे बस, 1/2 कप पानी भी दो इनके मिक्स करना थी। देखें जितनी बेसन गाढ़ा हो गया था उसकी गुठली नहीं बनी, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चिकन डाल दिया, अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने पकाना है कितना, 15 मिनट तक ये पकता रहेगा, ठीक है? 15 मिनट बाद हमारी ज़बरदस्ती कढ़ी तैयार हो जाएगी। आखिर में इस पर गर्म मसाला पाउडर डाल के आपने इसको
सर्व कर देना है, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं जाएगी, हरी मिर्चें काट के डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पकोड़ों का मसाला बनाएंगे। यहाँ पे आते हैं और कड़ी को चेक करते हैं। अभी भाई की कॉल आई थी कि पकोड़ों वाली कड़ी बन रही है। ये देखें किस तरह ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार हो रही है, कवर लगाने के बावजूद बाहर नहीं आ रही, गिर नहीं रही। क्योंकि जब भी आप कड़ी बनाएं तो पतीले को पहले ग्रीस कर लिया करें किनारों को ऑयल से अच्छी तरह, ठीक है, उससे कड़ी पकती रहेगी, बाहर नहीं आएगी। कड़ी अब हमारी बॉयल हो रही है, इसकी रेसिपी रिपीट करा दूंगा बाद में। अब हम बनाते हैं पकोड़ों का मिक्सचर, तो यही प्याला यूज़ करते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके पकोड़ों का मिक्सचर बनाएंगे, फिर पकोड़े फ्राई करके कड़ी में डालेंगे। चिकन और गोश्त की कड़ी हमारी हो रही है तैयार, उसको मैंने 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी कड़ी तैयार होगी तो पकोड़े डालेंगे और रेसिपी दोनों रिपीट कराऊंगा। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उन्हनि खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका कढ़ी ठाही चिकन वारी, हिन जी रेसिपी बि रिपीट कराईंदासीं, पकोड़नि जी बि कढ़ी ठाही पोइ हुन जी बि रेसिपी रिपीट कंदा। अब हम क्या करेंगे, पकोड़े बनाने के लिए यहाँ पे लेंगे बेसन। अच्छा, बेसन को आपने हमेशा छान के यूज़ करना है, तो मेरे पास 1.5 से 2 कप बेसन है, ठीक है। 1.5 से 2 कप आपने बेसन ले लिया। बेसन को आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको बीट करते जाना है, ठीक है। थोड़ो थोड़ो पानी विझी इनके फेटंदा वेंदासीं। बेसन में हम डालेंगे मसाले। 2 कप बेसन ले लें, इसमें आपने डाल देना है 1/2 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा कम नमक हसबे ज़रूरत, 2 कप बेसन हो, ठीक है, नमक, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया कुटा हुआ 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर 2 पिंच। इसके बाद हम इसको अच्छा सा बीट करेंगे। बेसन 2 कप, पीठल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मच, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मच, लूण 1/2 चाय जो चम्मच, अछो ज़ीरो 1 चाय जो चम्मच, साबित धाणा थोड़ा कुटे विझो इनके अंदर 1/2 चाय जो चम्मच या 2 चाय जो चम्मच, ठीक है। इनके थोड़ो थोड़ो करे फेटंदासीं, हीअं ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करना। इसमें डालेंगे मीठा सोडा या बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा 2 से 3 पिंच 1/4 टीस्पून, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स किया। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ताकि ये जो पेस्ट बनना शुरू हो जाए। उसके बाद हमने इसमें प्याज मिलाना है 1 अदर, ठीक है, ना बसर में इन्हें ना विधो आहे, फिर इसमें जो पेस्ट ठहंदो वेंदो ऐं इनखे मिक्स कंदा वेंदासीं। अच्छी तरह आपने पकोड़े आपकी मर्ज़ी, आप 3 कप के भी बना सकती हैं, 2 कप के काफ़ी होते हैं बेसन में, वरना ज़्यादा पकोड़े हो जाते हैं, फिर पकोड़े टूटना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से टच हो रहे होते हैं, इतने ज़्यादा पकोड़े ना डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा हूँ, अभी मैंने 1/2 कप जितना इसमें पानी डाला है, ठीक है। पहले आपने अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर प्याज हरा धनिया मिलाना है, चंगी तरह इनके फेटंदासीं, ठीक है। 2 कप बेसन भरे विझो या 1/3 कप ताईं भी खणी सघो था। लूण 1/2 चाय जो चम्मचे का थोड़ो घटि, हैड 1/2 चाय जो चम्मचे का थोरी घटि, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चम्मचो, ऐं साबित धाणा कुटे विझिजो हिन में 1/2 कप 2 चाय जा चम्मच, ऐं अछो ज़ीरो 1 चाय जो चम्मचो, ठीक आहे। सभु शयूं मिक्स करे चङी तरह हिनखे फेटंदासीं, हिन में गुठली न ठहे, घाटी पेस्ट ठही वञे। जितना फेटेंगे इतना अच्छा बनेगा। अब इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी जाएगा, बहुत पतला बैटर नहीं होना चाहिए, पकोड़े गोल बनने चाहिए कड़ी में, वो चिपटे चिपटे पकोड़े, जब ज़्यादा पानी होगा तो फैलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कल हम बना रहे हैं फ्राइड राइस, ठीक है, एबटाबाद से फरमाइश थी, फ्राइड राइस और उसके साथ चिकन मंचूरियन, ठीक है, ये ज़रूर देखिएगा कल हम बनाएंगे। सुबह ठाईंदासीं फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन, कल चाइनीज़ बनेगा हमारा। ये देखिए इतना होना चाहिए गाढ़ा। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, 1 छोटा मीडियम साइज़ का प्याज, 1/2 स्लाइस कटिंग किया हुआ, हरा धनिया थोड़ा चॉप करके डालेंगे, सावा धाणा थोड़ा बारीक कटिंग करे, पानी का धोई चंगी तरह वो कटिंग करे, हमें अंदर विकला से 2 खाने के चम्मच हरा धनिया डाल दिया, 1 अदद हरी मिर्च डाल रहा हूँ बारीक कटिंग करके, क्योंकि हरी मिर्च तेज़ होती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी खा रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने मर्ज़ी से जैसे भी एडजस्ट करें डालें या ना डालें, ठीक है। ये डाल दिए हमने, इसके अंदर इसको भी हटा देते हैं, इसको
करते हैं पकौड़ों को, फिर फ्राई करना शुरू करेंगे। ठीक है, पकौड़न जो मिक्सचर असां तैयार थी वियो, और चिकन वाली कढ़ी को चेक करते हैं और उसकी रेसिपी रिपीट कराता हूँ। ठीक है, चिकन कढ़ी जो मैंने बनाई है बेसन वाली कढ़ी चिकन के साथ, इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, ज़बरदस्त हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। ये देखें परफेक्ट खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि चिकन है इसके अंदर और मसाले बड़े ज़बरदस्त मैरिनेशन के साथ हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी परफेक्ट तैयार हो रही है, हल्की आँच पर आपने 15 मिनट पकाना है क्योंकि बेसन को ऑलरेडी हम पका चुके हैं। ये देखें बेसन है, ये चिकन है, इसके अंदर पक रही है। ठीक है, हल्की से थोड़ी तेज़ आंच रखनी है और इसकी रेसिपी में अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया, इसको मिक्स किया, फिर इसको दम पे लगा देंगे 5 मिनट के लिए। वरी 5 मिनट ला दम पर लगाई छंदा सी गरम मसाला पाउडर भी दो। इसकी रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, चिकन वाली कढ़ी के लिए हमने किया लिया चिकन 1/2 किलो, 3 पाव भी कर सकती हैं चिकन को। उसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने डाल देना है प्याले में, उसमें आपने डालनी है 3 खाने के चम्मच दही, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद आपने नमक 1/2 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1/1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। ठीक है, ये सब चीज़ें डाल के आपने अच्छी तरह चिकन को मैरिनेट कर देना। मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑयल गर्म करना है 1/2 कप, उसमें चिकन को डाल के कवर कर देना, चिकन फ्राई होती रहेगी दोनों साइड से, इसको अच्छी तरह फ्राई करके 10 से 12 मिनट बाद आपने निकाल देना। चिकन का जो मसाला होगा ऑयल में रह जाएगा, फिर उसी ऑयल में आपने क्या करना है, बेसन लेना है 1 कप दही, 1 कप दही में 1 कप बेसन को अच्छी तरह फेंट लेंगे और चिकन जिसमें हमने मैरिनेट की थी उसी प्याले में कीजिएगा ताकि वो मसाला भी इसमें आ जाए। फिर उसमें 1/2 चाय की चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/2 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर आपने डालना है, उसके साथ आपने गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच डाल देना है, जीरा का पाउडर डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, और उसको अच्छी तरह आपने मसाले को मिक्स करना है बेसन के साथ, गाढ़ा सा टेक्सचर बन जाएगा। जो ऑयल था 1/2 कप में जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी, ये बेसन आपने उसमें डाल देना है। बेसन उसमें डालने के बाद आपने भूनते रहना है 5 मिनट तक, बेसन गाढ़ा होगा, पेस्ट सा बन जाएगा गाढ़ा। बेसन को हमने पका के कच्चापन ख़त्म कर देना है, फिर जो फ्राई की हुई चिकन निकाल के रखी थी वो हमने बेसन में डाल देनी है, 2 मिनट मिक्स करना है, फिर 3 कप 4 कप पानी डाल के मिक्स करें अच्छी तरह ताकि बेसन हल हो जाए, उसके बाद कवर करके 15 मिनट 18 मिनट उसको हल्की आंच पे पकने दें, आखिर में गरम मसाला पाउडर डाल के फिर उसको 10 मिनट के लिए 8 मिनट के पकने दें, तैयार हो जाएगा। हरा धनिया डाल के आप सर्व करें, नान के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ठीक है, बेसन वाली कढ़ी जो पकौड़ों वाली कढ़ी है उसके लिए हमने क्या किया था, 1 कप बेसन लिया था और 1 पाव दही में बेसन को अच्छी तरह बीट कर लें। ठीक है, फेंट के साइड में रख दें, ठीक है, गाढ़ा सा पेस्ट बना के, उसके बाद आपने ऑयल गर्म करना है 1/2 कप, उसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदरक डाल देने, साबित धनिया कूट के मोटा मोटा कूट के डाल देना है 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच आपने डाल देना है। ठीक है, उसके बाद पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है, नमक 2 चाय के चम्मच, सारा भगार बनाएंगे। भगार बनाने के बाद आपने जो दही का मिक्सचर था कढ़ी का गाढ़ा सा वो डाल देना है, मिक्स करना है, फिर उसके बाद आपने उसमें पानी डाल दें 5 कप 6 कप 8 कप जितनी आपको बनानी, कम से कम 2 से 2.5 गिलास 3 गिलास पानी होना चाहिए। मिक्स करें, एक बॉयल आने दें और पतीले को पहले ग्रीस कर लीजिएगा साइडों से ताकि कढ़ी बाहर ना आए, फिर कवर कर दें हल्की आँच पर पकने दें 30 मिनट तक, उसके बाद का क्या टेक्सचर बनता है वो बाद में देखेंगे। उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे, पकौड़ों का मिक्सचर आपके सामने बना लिया। ठीक है, इसको पकते हुए काफ़ी देर हो गई और अब इसके ऊपर एक शाइनिंग सी आना शुरू हो गई है। ठीक है, हाणे जे मथा एक शाइनिंग सी अचन शुरू थी वही है, फिर ऐसो कढ़ी जे मथा एक लेयर अचन शुरू थी वही है, एक लेयर आती है ऑयल की तरह, एक लेयर आना शुरू हो जाएगी, कढ़ी पकती पकती गाढ़ी हो जाएगी, फिर हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करेंगे। पकौड़न जो मिक्सचर बाद में ठाहींदासी, मां हाणे तव्हांखे रेसिपी रिपीट करायां पियो, चिकन सां गॾु जेका कढ़ी ठाही है बेसण वारी, हिन जे लाइ 1/2 किलो चिकन खणंदो, हुन में अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाइण जो चमचो, ॾही 3 खाइण जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हैड ऐं पीठल धाणा 1 चाय जो चमचो, लूणु 1/2 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो, हे सभु शयूं मिक्स करे छॾिजो चिकन में, 1/2 कलाक रखिजो, हुन खां पोइ 1/2 कप ऑयल गरम करे हुन चिकन खे फ्राई कजो, कवर करे छॾिजो, चिकन ॻरी वेंदी चङी तरह, 10 खां 15 मिंट में कढी वठिजो। पोइ हुन ऑयल में तव्हां छा कंदो, चुल्हो बंदि करे छॾिजो फ़िलहाल, पोइ हुन ऑयल में तव्हां 1 कप पहिरीं बेसण हिकिड़े प्याले में खणंदो, 1 कप ॾही खणंदो, चङी तरह फेटिजो, हुन में पोइ पीठल ॻाढ़ा मिर्च, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हैड 1/2 चाय जो चमचो, धाणा पीठल 1 चाय जो चमचो, लूणु 1 चाय जो चमचो या थोरो हुन खां घटि बि खणी सघो था, ऐं चङी तरह फेटंदो। ठीकु आहे, चङी तरह फेटण खां पोइ
उनमें एक कप पानी विझंदो वरी वो पेस्ट घाटो थींदो पो उनके उनी ऑयल में विझी चंगी तरह पचाईंदो चंगी तरह जडे उनके पचाईंदो हो घाटो थियण लगंदो बेसण पचंदे पचंदे रबड़ वांगर थियण लगंदो पो उनमें चिकन चिकन फ्राई करी कढी हुई चिकन असां उनजे अंदर विझंदासीं चिकन असां उनजे अंदर विझंदासीं उनखां पो चिकन के मिक्स कंदासीं पो उनजे अंदर 3-4 कप पानी विझी हल्को सो चमचो हलाइजो बेसण चंगी तरह मिक्स थी वञे गुठली न ठहे पो उनखे कवर करी 15-20 मिंट पचण डिजो हल्की पाए तो उनका गरम मसालो पाउडर अद चाहे जो चमचो विझी वरी दम ते रखी छंदासी ठीक है। बेसण वाली कढ़ी जिला पकौड़ा बेसण की कढ़ी जिला असा खयो 1 कप बेसण ठीक है। 1 पाव दही में बेसण के चंगी तरह फेटे 1-2 कप पानी रखी उनके चंगी तरह मिक्स कर रखी छो ऑयल गरम कंदो 1/2 कप का थोड़ो घट 6-8 खाने जा चमचा कढ़ी पत्ता 10-12 अदद अदरक थूम जो पेस्ट विझंदो 2 खाने जा चमचा ठीक है। मेथी दाणा विझिजो 1/2 चाय जो चमचो ये विझण का पोइ में पीठल गाढ़ा मिर्च कुटियल गाढ़ा मिर्च हेड 1/1 चाय जो चमचो धाणा 1 चाय जो चमचो पीठल 0-1 चाय जो चमचो विझी मसाले के पचाइंदो पो बेसण वारो मिक्सचर विझ छो 2-3 गिलास पानी विझी उनके कवर करे हल्की बाहि ते पचण डिजो चमचो हलाईंदा रहिजो जो 1/2 कलाक में कढ़ी तैयार थींदी तेसि ताईं वठूं था कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम फैसल बात कर रहे जी फैसल बात कर रहा हूँ कॉर्नर कहाँ से बात कर रहे हैं मैं कराची से किंदा बात कर रही हूँ जी कैसी हैं आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आपकी कुछ कहना चाहेंगी जी जी मैं कही थी आप जो कढ़ाई में आपने बाल्टी गोश्त बनाया था ना बाल्टी बहुत टेस्टी बना था अच्छा आपने ट्राई किया था जी 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 चिकन में बनाया था पर हमने बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करते ना मुझे बहुत बहुत शुक्रिया मैं ये कह रही थी आपसे फरमाइश भी करनी थी मुझे बिल्कुल कीजिए फरमाइश मुझे ये था कि मलाई पोटी बनाना सिखा दीजिए और मैंने आपसे गुलाब जामुन की फरमाइश की थी वो भी कर दी है दूसरी किसकी फरमाइश थी गुलाब जामुन गुलाब जामुन ठीक है गुलाब जामुन और दो चीज़ें दूसरी चीज़ क्या बोल रही हैं मलाई बोटी चिकन में मलाई बोटी चिकन में और गुलाब जामुन ठीक है मैं जल्दी बना दूंगा ठीक है 1-1.5 हफ्ते में नेक्स्ट वीक तक बना दूंगा इंशाल्लाह ठीक है ओके जी अपना ख्याल रखिएगा कौन सी वाली सादी कढ़ी जो बनाई है पकौड़े वाली जो कड़ी बना रहा हूँ वो जी 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 ठीक है मैं भी रिपीट पकौड़े वाली ठीक है आप टीवी की तरफ जाए मैं रिपीट कराता हूँ ठीक है ठीक है ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा किचन भी काउंटर साफ कर रहा हूँ क्योंकि फिर हमने डिस्प्ले भी करना है ठीक है। पकोड़े वाली कढ़ी की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ इसके लिए हमने कढ़ी के लिए 1 कप बेसन लेना है और 1 पाव दही में बेसन को अच्छी तरह बीट करें 2 कप पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बना के रख दें फिर आपने ऑयल गरम करना है 1/2 कप से थोड़ा कम 6-8 टेबल स्पून ऑयल गरम किया उसमें कढ़ी पत्ते 8-10 अदरक डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाला मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच डालेंगे कढ़ी पत्ते 10-12 अदरक 15 अदरक भी डाल सकती हैं मेथी दाना 1/2 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच फिर हल्का सा भगार बना उसमें आपने डाल देना 1 चाय का चम्मच जीरा पिसी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 चाय का चम्मच नमक 1 चाय का चम्मच डाल देंगे ठीक है। ये सब डालने के बाद आपने अच्छा सा भुनाई की हल्की सी भुनाई की और साबित धनिया जो होता है ना वो भी कूट के 1 खाने का चम्मच डाल दें भुनाई करने के बाद आपने जो बेसन का मिक्सचर था वो डाल देना है उसके बाद 2-2.5-3 गिलास पानी और डाल देना अच्छी तरह मिक्स करें बॉयलिंग आने दें उससे पहले सबसे पहले पतीला ठंडा हो तो उसको ग्रीस कर लीजिएगा उससे कढ़ी आपकी बाहर नहीं आएगी गिर के ठीक है। फिर बॉयलिंग आने के 10 मिनट के बाद जब अच्छी से बॉयलिंग आएगी कवर कर लें या हल्की आँच पर छोड़ दें 30-35 मिनट तक कढ़ी तैयार होती रहेगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसन की जो कढ़ी हमने चिकन वाली बनाई थी इसको कर देंगे डिश आउट ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और इसमें डाल देंगे हरा धनिया थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है 2 खाने के चम्मच और इसको मैं करूँगा मिक्स। ज़बरदस्त हमारी चिकन कढ़ी तैयार हो गई है ठीक है। ये नान के साथ आप खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है बाकी आप चावलों के साथ भी इसको खा सकते हैं ठीक है। चिकन वाली कढ़ी असांजी तैयार थी वह इनके असां कर दूँ था कढ़े बॉल में चूल्हा थोड़ा तेज़ करूँगा ताकि इसका ऑयल थोड़ा अलग से ऊपर आना शुरू हो जाए ठीक है। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देते हैं। बहुत इजी बहुत ही मज़ेदार कढ़ी है पकोड़ों वाली कढ़ी भी तैयार हो रही है उसके पकोड़े फिर हम फ्राई करते हैं लेकिन आप ये वाली भी ट्राई कीजिएगा जिनकी फरमाइश थी वो भी नोट कर लें और जिनकी फरमाइश नहीं है वो भी ट्राई करके देखें बहुत मज़े की बनती है चिकन की कढ़ी ठीक है। ये आप गोश्त के साथ भी बना सकते हैं गोश्त को गलाने का वही प्रोसेस होता है या तो गोश्त आप भून लें वैसे जैसे गला लें उस तरह भी आप करके चिकन में डाल सकते इसमें कढ़ी में डाल सकते हैं ठीक है। तो ये हमारी हो गई है कढ़ी एक तैयार गोश्त वाली
यानी चिकन कड़ी। ठीक है, ये असि चिकन वाली कड़ी तैयार थी गई, इसको रखते हैं साइड में। और अब हम बनाते हैं पकोड़े। ठीक है, ये गोश्त वाली कड़ी थी भाई, इसको नीचे रखते हैं। इनके हटाई था, चलो ये कड़ी थी। अब हम रखेंगे यहाँ पे कढ़ाई जिसमें हमने बनाने हैं पकोड़े। पकोड़े फ्राई करके निकालेंगे और उसके बाद हम इसका भगार भी बनाएंगे। ठीक है, जब तक मैं इसको फ्राई करता हूँ, फिर ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद हम इसका भगार बना के इसके ऊपर डालेंगे। कड़ी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो गई है, तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं कड़ी को पकते हुए। ठीक है, अब कड़ी का एक ऑयल सा ऊपर आना शुरू हो जाता है, कलर बड़ा ज़बरदस्त था तो वो आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी कड़ी पक रही है, इसको मैंने अभी भी कवर करके रखा हुआ है। ढक्कन इसलिए नहीं हटाया क्योंकि कड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और इसका मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑयल जैसे गर्म होगा तो फिर हम इसमें पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 से 3 कप आपने बेसन ले लेना है। पानी डालना है इसमें कितना, 1 कप से थोड़ा कम या 1 कप जितना गाढ़ा सा पेस्ट बना दें। पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च आधा आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून चौथा चाय का चम्मच डालना है, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कूट के 1 खाने का चम्मच डाल दें, ये 2 चाय के चम्मच, 1 अदद प्याज डालेंगी। और प्याज डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी डाल दें, प्याज नॉर्मल साइज़ का एक बारीक कटिंग करके अच्छी तरह मिक्स करें, 15-20 मिनट रखें, खमीर सा बन जाएगा। उसके बाद पकौड़े ऑयल में फ्राई करके निकाल देंगे। ठीक है, पकौड़न जी रेसिपी रिपीट कराएं पो। 1/4 कप तां खणंदो बेसण, 2/4 कप हुनमें विझंदो मिठी सोडा 1/4 चाय जो चमचो या बेकिंग सोडा जेका भी हुजे। हुन खां पोइ तां हिनमें पीठल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, थोड़ी हैड अछो ज़ीरो 1 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचे घटे, साबुत धाणा कुटे 1 टेबल स्पून 1 खण जो चमचो विझंदो। मिक्स कजो, थोड़ो 1/2 कप खां मथे मुनो कप पाणी विझी घाटो पेस्ट ठाहिजो। 1 गंढ बसर जी विझंदो, हुन खां पोइ थोड़ा सावा धाणा ऐं 1 साओ मिर्च विझी हिनखे मिक्स करे 1/2 कलाक रखिजो। हुन खां पोइ पकौड़ा तयारु कंदासीं। ऐं हाणे वञूं त हिकु शॉर्ट ब्रेक ते, जेसिताईं मां पकौड़ा फ्राई कयां थो, ब्रेक खां पोइ जी रेसिपी कंटिन्यू कयां। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका मां पकौड़ा हिते ठाहिया हुआ, मसालो ठाहियो, पकौड़ा हिते फ्राई थियणु शुरू थी विया आहिनि। ठीकु आहे, जो मैंने मसाला बनाया था तो उसके जो पकौड़े हैं वो यहाँ पे फ्राई होना शुरू हो गए हैं। और ये कड़ी हमारी तैयार हो गई, जैसे पकौड़े फ्राई होंगे पकौड़ों को हम निकाल के इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भगार बनाएंगे जो कड़ी के ऊपर डाला जाएगा। ठीक है, एक भगार बनाएंगे जो कड़ी के ऊपर डाला जाएगा और पकौड़ों को अब हम पलटना शुरू करते हैं। पकौड़न के पलटाएँ शुरू क्यों था, अच्छी तरह फ्राई हो जाए एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, पकौड़ा एक पासे का फ्राई थी वञनि त पोइ ॿिए पासे खां फ्राई कंदासीं, जेसिताईं पकौड़नि खे तव्हां हिते पलटाईंदा रहंदो। ठीक आहे, चङी तरह हिनखे फ्राई थियणु ॾियो। जॾहिं पकौड़ा चङा फ्राई थियणनि त पोइ हिनखे कढ़ी असां कढ़ी जे अंदरि विझंदासीं। ठीकु आहे, जब पकौड़े हमारे फ्राई हुजेंगे त पकौड़ो को निकाल के हम कढ़ी में डाल देंगे। पकौड़ों का कलर एक साइड से अच्छा सा आने दें, फिर उसके बाद आप पलटाते जाएं। तरह पकने दें। ठीक है, चंगी तरह पचन दियो पकौड़ा, उनका पकौड़ा कढ़ी ऐं जेका अगर वड़ा थियन पिया तो उनके तोड़े विझिजो। ठीक है, अगर वड़ा थियन पिया पकौड़ा तहां का तो उनके तोड़े पो तहां विझंदो। अगर पकौड़े आपसे बड़े हो रहे हैं तो आप पकौड़ों को तोड़ के भी डाल सकते हैं इसके अंदर। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है, कढ़ी को चेक करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। चूल्हा बंद करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। ठीक है, एक लेयर आ जाएगी ऑयल की तरह ही आपको नज़र होगा, सेपरेट सी एक लेयर है, ये हमारी कढ़ी तैयार होगी। कढ़ी को थोड़ा ठंडा करके हमेशा खाया जाता है, तो बिल्कुल गरम गरम भी आप खा सकते हैं, लेकिन हल्का सा उसको छोड़ दिया करें ताकि उसका टेम्परेचर डाउन होने लगे, फिर आप कढ़ी को यूज़ किया करें। पकौड़े हमारे साथ साथ फ्राई हो रहे हैं और लटते जाएंगे। इसके बाद हम इसी कढ़ाई से ऑयल लेंगे और एक भगार बनाएंगे, भगार डाल के हम कढ़ी को सर्व करेंगे। ठीक है, सुभाणे जी रेसिपी ॾिसो। सुभाणे चाहींदासीं चिकन मंचूरियन ऐं उनसां गॾु चिकन फ्राइड राइस। चिकन मंचूरियन और चिकन फ्राइड राइस कल हम बनाएंगे, उसकी भी फरमाइश थी और वो थी एबटाबाद से फरमाइश। ठीक है, और अल्फ्रेडो पास्ता है
बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, उसकी भी फरमाइश आई हुई थी तो वो भी बनाना सिखाऊंगा। चंगी तरह है थे पकौड़ा से फ्राई थे, पर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करने, बस फ्राई हो जाए, कच्चापन ना हो। फूले फूले से हैं पकौड़े क्योंकि इसमें हमने मीठी सोडा या बेकिंग सोडा थोड़ी डाली हुई है। ठीक है, हाँ जो चूल्हो बंद कंदासी पकौड़ा कढ़ी असा कढ़ी में ऐड करें था, पकौड़े में निकालता जाऊँगा और कढ़ी में डालता जाऊँगा। और इसी कढ़ाई में से हम थोड़ा ऑयल लेंगे और एक भकार बनाएंगे। इसका जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, चूरा बच जाता है, वो भी आपने यूज़ कर लेना। ठीक है, कढ़ी में ये डाल दिया, इसके बाद इसको हल्का सा दबाएं, इस तरह मिक्स करें। अब इसको कवर कर दें ताकि पकोड़े जो कढ़ी में गए हुए वो नरम हो जाएं। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने पकोड़े नहीं डाले ताकि बहुत ज़्यादा पकोड़े होंगे तो फूल के आपस में चिपक के और टूटना शुरू हो जाएंगे। पकौड़ा इलाही वधीक न विझो न तो छा थींदो, पकौड़ा टुटी पैंदा आहिनि ऐं पाण में चिंबड़ी पैंदा आहिनि। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहीं से थोड़ा ऑयल लेंगे फ्राइंग पैन में और बाकी ऑयल हम सेपरेट करके रख देंगे। यानी मैं थोड़ा अध कप जितो ऑयल खाऊँ था, हाफ कप से थोड़ा कम। मैंने ऑयल ले लिया और इस ऑयल को साइड में कर देते हैं। अब इस ऑयल में हम डालेंगे प्याज, ठीक है, भगार के लिए प्याज ले लेंगे एक मीडियम साइज़ का। प्याज को हम करेंगे फ्राई। बसर के गाढ़ो कंदासी, मीडियम साइज़ जो एक बसर खणंदासी ऐं बसर गाढ़ो थींदो। जब प्याज लाल होने लगेगा फिर हम इसमें डाल देंगे साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद। ठीक है, कड़ी पत्ते मेरे पास कम पड़ गए, पता नहीं कहाँ चला गया, आपने कड़ी पत्ता भी डाल देना है। 1 अदद हरी मिर्च लंबाई में इस तरह कट करके भी 1 से 2 डालेंगे। ठीक है, हरी मिर्च का अपना फ्लेवर आएगा, साबित लाल मिर्च का अपना फ्लेवर आएगा। तो हरी मिर्च भी आपने भगार में 2 इस तरह लंबाई में काट के ये डाल देनी है। 1 अदद प्याज डाल दिया, इसका भगार बनेगा। उस दौरान हम लहसुन चॉप करेंगे और लहसुन चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। थूम भी बारीक कटिंग करे विजंदासी, लहसुन के 6 से 8 जवे ले लें, मोटे वाले अगर बारीक है तो 10 ले लें। चॉप करके लहसुन भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गए लहसुन। जब प्याज का कलर चेंज होगा फिर आपने इसमें लहसुन ऐड करना, पहले नहीं करना। ठीक है, प्याज का कलर जब चेंज होगा तो फिर आपने इसमें लहसुन और ज़ीरा ऐड करना है, पहले आपने लहसुन नहीं डालना। तब तक मैं काउंटर क्लियर कर लूँ, भगार हमारा बन रहा है। भगार बना के हम कढ़ी पे डालेंगे, उसके बाद कढ़ी को हम सर्व करेंगे। तब तक के लिए कढ़ी को मैंने कवर करके रखा हुआ है ताकि जो पकौड़े मैंने इसमें ऐड किए हुए वो नरम हो जाएँ। ठीक है, वरना पकौड़े सख्त रहेंगे तो वो मज़े के नहीं लगेंगे कढ़ी में। ठीक है, पकौड़ा जो इन कढ़ी के अंदर वो नरम थी वन तो इनके कवर कर रख दो। काउंटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। हाँ, जो दाग ठहर पे हो, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप रिपीट में देख सकती हैं। ठीक है, कलर चेंज थियण थी वियो। हाणे इनमें विझंदा सी थूम। अब मैंने इसमें डाल दी है लहसुन चॉप की हुई, 1 खाने का चम्मच लहसुन चला गया चॉप किया। ठीक है, 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप करके डाल दिया। लहसुन जब तक हमारा चॉप हो रहा है तब तक चॉप करके डालने के बाद इसको लहसुन को ब्राउन किया। सो थूम गाढ़ी थी गई, बसर सफ़ा गाढ़ो थी वियो। अब जब एंड पे आपने इसमें डाल देना है सफ़ेद ज़ीरा। जब आप देखेंगे लहसुन साबित लाल मिर्च हरी मिर्च और प्याज गोल्डन हो गए, तो 1 खाने के चम्मच से थोड़ा कम या 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा, ज़ीरे का, और इन सबका भगार बनेगा। कड़ी पत्ता आपने डाल देना है, कड़ी पत्ता मेरा कहीं मिस हो गया यहाँ पे, तो कड़ी पत्ते मैंने भगार में डाले थे लेकिन ऊपर से भी आपने 8 से 10 डालने। और जिन इलाकों में कड़ी पत्ता नहीं बनता तो कड़ी पत्ते के बगैर भी आप कड़ी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये भगार बन गया, ये भगार मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। ढक्कन आपने हाथ में पकड़ना है और ये पूरा भगार आपने कड़ी में डाल देना है। डाल के स्पून से आपने थोड़ी कड़ी निकाली, चमचे में घुमाई और ये करके आपने इसको कर देना है कवर 2 मिनट के लिए ताकि कड़ी में भगार की खुशबू आ जाए। कड़ी में भगार की खुशबू आ जाएगी तो फिर हम कड़ी को निकाल लेंगे। केतरो टाइम है सावट, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। ठीक है, 9 बजे सुबह रिपीट चलेगा, तो कोई चीज़ समझना है तो आप रिपीट में देख सकते हैं। ठीक है, कढ़ी बनाना ईजी है, बहुत से लोग 10-10 किलो भी बनाते हैं कढ़ी,
और कढ़ी बनाने के लिए आधा घंटा 40 मिनट बहुत होता है। बहुत से लोगों के घर में क्या होता है, 5-5 घंटे 4-4 घंटे कढ़ी पक रही होती है, वो भी अच्छा होता है, उस तरह भी अच्छी बनती है, लेकिन ये बहुत ईजी वे में कढ़ी बनाई है तो आप आराम से इसको बना के सर्व कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करेंगे, इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया कढ़ी का, और इसको हम निकालते हैं बाउल में। ऐसे ही कढ़ी तैयार थी भाई, इसको यहाँ रखते हैं, अच्छी तरह मिक्स करें निकालने से पहले कढ़ी को। बहुत ज़्यादा पकोड़े नहीं हैं, बिल्कुल बैलेंस में है, और ये एक फैमिली के लिए एक टाइम के लिए मैंने बनाई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा करके ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल बनाई है। कढ़ी पकौड़ा सा तैयार थी, इनके डिश आउट क्यों था, और चिकन वाली कढ़ी भी आपके सामने बना दी है। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, और इंशाल्लाह आप लोग की जो जो फरमाइशें आती जा रही हैं मैं साथ साथ पूरे करता जा रहा हूँ। ये कढ़ी की दोनों की फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, कढ़ी पकौड़े ठीक है और चिकन वाली कढ़ी यानी गोश्त कढ़ी की फरमाइश थी, तो मैंने दोनों साथ ही बना दी, जान छोड़ दी ताकि एक ही मेथड है तो दोनों को एक साथ बना दिया। अब हम क्या करेंगे, चाइनीज़ की तरफ जाएंगे, अल्फ्रेडो पास्ता है उसकी तरफ जाएंगे। जी ऐसा जी, कढ़ी पकौड़ा तैयार थी भाई, ठीक है, इस तरह आपने बना के और इसको सर्व करना है, और ये तकरीबन 5 से 6 अफराद आराम से खा सकते हैं जितनी क्वांटिटी में। अगर आप ज़्यादा बनाएंगी तो फिर वो ज़्यादा भी बना के सारा दिन भी लोग खाते हैं, 2 टाइम भी खाते हैं, लेकिन मैंने इतनी बनाई कि एक टाइम आप लोग खा के सर्व करें। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, जिसमें हम बना रहे हैं चिकन मंचूरियन और फ्राइड राइस, चाइनीज़ रेसिपी है, ठीक है। इंशाल्लाह सुबह 9 बजे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है, उते रेसिपी अपलोड थी, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कियो सिन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब ते सब्सक्राइब कंदो। सुभाणे ठाहींदासीं चाइनीज़, ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो, दुआनि में यादि रखिजो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।